हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस फिल्म की रिव्यू देने वाला हूँ उसका नाम है अब्यक्तो। ये 2020 का एक बंगाली फिल्म है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म की मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है। इस फिल्म में एक माँ और इसकी लड़के, मतलब मॉम एंड सन के बीच जो मैच्योर रिलेशनशिप होता है, ये इस फिल्म ने यहाँ पर दिखाई है। इस फिल्म का डायरेक्टर है अर्जुन दत्त और इस फिल्म को रिटर्न भी किया है अर्जुन दत्त और इस फिल्म प्रोड्यूस किया है तरुण दास। तो इस फिल्म में माँ की जो किरदार है वो निभा है अर्पिता पाल और जो बच्चा उसका लड़का है उसका किरदार निभा है अनुभव कांजीलाल ने। तो अब बात करें इस फिल्म की और भी कास्ट के बारे में। इस फिल्म में आदिल हुसैन है, ख्या चट्टोपाध्याय है, अनिर्बाण घोष है, लिली चक्रवर्ती है, बहुत ही सारे यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस है। तो ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये फिल्म में बहुत ही एक मैच्योर रिलेशनशिप, माँ और बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में किया बोला है। और ये फिल्म एक इंडिपेंडेंट बंगाली फिल्म है, तो इसके लिए इसका जो सिनेमाटोग्राफी और इसका जो कैमरा वर्क है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा बजट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, फिर भी ये जो कैमरा वर्क दिखा है हर एक सीन में वो मेरे दिल को छू गया। और इस फिल्म का जो सिनेमाटोग्राफी है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब बात करें इस स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छा लगती है। फिल्म तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का है, मतलब आप समझ ही सकते हैं ये फिल्म बहुत ही छोटा है। और इसका जो स्क्रीन पे है वो बहुत ही टाइट है, मतलब मुझे तो एक आर्ट फिल्म के हिसाब से इसका स्क्रीन पे बहुत टाइट ही लगा, बहुत अच्छा लगा स्क्रीन पे। मतलब आर्ट फिल्म का जो स्क्रीन पे होता है वो ऐसा ही होता है, इससे भी स्लो होता है, लेकिन फिर भी ये इसका स्क्रीन पे बहुत अच्छा है। म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिनेमाटोग्राफी का बात तो मैंने पहले ही किया, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, तो सभी अच्छा। और बोल रहा जाए तो अर्पिता पाल का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे, मतलब उसका शादी हो गया और उसका नाम हो गया अभी अर्पिता चट्टोपाध्याय, तो अर्पिता चट्टोपाध्याय का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जेन्युइन परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। और उसके सिवा जो आदिल हुसैन ने जो परफॉर्मेंस दिया या फिर ख्याल मुखोपाध्याय, जीरा मजुमदार, अनिर्बाण घोष ने जो परफॉर्मेंस दिया वो काबिल तारीफ है। तो इस फिल्म को मुझे बहुत अच्छा लगा। और 1 घंटा 40 मिनट तक ये फिल्म एक ही फ्लो में आता है, लेकिन लास्ट के जो 10 मिनट है वो 10 मिनट में ये फिल्म ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है, ऐसा नहीं मैं ऐसा बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं बोलूँगा, एक हल्का सा ट्विस्ट, मतलब वो ट्विस्ट आपको आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब वो ट्विस्ट आएगा तो आपको वो ट्विस्ट इतना अच्छा लगेगा और वो ट्विस्ट पूरा फिल्म के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपको पूरा फिल्म का कहानी बाद में जाकर समझ आएगा और आप बोलोगे हाँ ये बहुत अच्छा बढ़िया फिल्म है। तो इस फिल्म को मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अगर आप रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को मैं 10 में से 7.5 देना चाहूँगा। और इसी तरह की सी बंगाली इंडिपेंडेंट फिल्म को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक आते हैं, टेक केयर, जय हिंद।